हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट बाय विशांत। आज हम ग्राफ से पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे। या तो आप ड्राइंग से ग्राइड कर सकते हो फ़ोटो में, या फिर अपने पेंसिल से द्वारा बना सकते हो। इसके ए फोर साइज शीट है, तो उसको आप दो दो सेंटीमीटर के बॉक्स बना लो। पहले सबसे पहले हमने लिया 6 इंच की फिटी, आप 15 सेंटीमीटर की, आप चाहें तो बड़ी बड़ी स्केल भी ले सकते हैं। हमने सबसे पहले दो दो सेंटीमीटर के निशान लगाने हैं। आपको पहले पोर्ट्रेट में निशान खींचने हैं, जैसे कि मैंने खींच चुके हैं। अब उसको लैंडस्केप में दो दो सेंटीमीटर A4 साइज हो तो दो दो सेंटीमीटर के लेने हैं, A3 साइज हो तो आप 3-3 सेंटीमीटर के लेने हैं। आपको निशान दोनों तरफ लेने हैं, दो दो सेंटीमीटर के पोर्ट्रेट के दोनों तरफ। अभी दूसरी तरफ भी दो दो सेंटीमीटर पे निशान लेने हैं। जब चारों तरफ निशान हो जाए, उसकी तरफ लाइन को एकसार कर देंगे। मैंने HB पेंसिल यूज़ करा, आप चाहे तो मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ करते हो। हमने छोटे वाले स्केल से निशान लगा लिया, अब इनको सब निशान को मिला देंगे। ऐसे भी सारे निशान जो हमने मार्क करे हैं 2-2 सेंटीमीटर पे, ऐसे भी पोर्ट्रेट लैंडस्केप दोनों तरफ मार्क को स्केल से। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हमने पहले निशान काट चुके हैं। पूरा A4 साइज का पेपर पे सारे निशान कर चुके हैं। आप शुरुआत में बना रहे हो तो आपको किसी भी पोर्ट्रेट की फोटो कॉपी निकलवानी है, उसके ऊपर ग्राइड करके ग्राफ बना के तो उसको आप ले सकते हो। जैसे हम इसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं, इसके ऊपर भी जैसे पहले ग्राफ बनाया था, आप फेस टू फेस का दोबारा ऐसी ग्राफ बनाना है। आपको इस पे भी ऐसे पहले पोर्ट्रेट में, फिर लैंडस्केप में मार्क द्वारा स्केल से कितनी एक्यूरेट लाइन खींचनी है फोटो कॉपी पर। आपको उस पर नंबर लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 15 तक आएंगे। इस पर भी जो हमने पहले ग्राफ बना चुका है, जिसमें हम ड्राइंग ग्राफ बनाई हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 0.5 बचेगा। अब ऐसे भी यहाँ पर लिखने हैं। या आप चाहें तो ऐप से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्राफ बना हुआ है, ये बॉक्स के हिसाब से ऊपर 10 बॉक्स हैं, अब नीचे 15 बॉक्स हैं। आप इसको जैसे 1 बॉक्स में एक चीज़ लानी है, आप उसको भी यूज़ करके बना सकते हैं। देखो, जैसे हमने ऊपर 10 बॉक्स गिन लिया, मैंने आपको दिखाए थे, जैसे हमने यहाँ से गिनना था 1, 2, 3, तो हमने बस 1, 2, 3 स्पेस छोड़ के ऊपर यहाँ से स्टार्ट कर देने। सबसे पहले आप ग्राफ को यूज़ कर रहे हो तो आप पहले आउटलाइन बनाओगे, और आप फ्री हैंड यूज़ कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आइज़ बनानी है। देखो, हम यहाँ से यूज़ करके, देखो ये यहाँ के यहाँ तक आ रही है। आप ऐसे करके यूज़ करके बना सकते हैं। अब देख लो, बॉक्स के यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ से लाइन घूम दिया। पहले सबसे पहले आउटलाइन बनानी है आपको बार बार की। आप अंदर के बाद में बनाए तो बेटर रहेगा आपके लिए।
देखो आप, ये यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से फेरिंग घुमा लो, क्योंकि आप ग्राफ तो उतना ही रहेगा, आप जूम चाहे कितना ही कर लो। आप फोटो कापी से कति एक्यूरेट जो जो लाइन आ रही है, जो जो बॉक्स में आ रहा है, आप उसको यूज़ करके बना सकते हो। ये यहाँ से घूम रहा है, ये यहाँ से ऐसे करके देखो, पूरा बाल आ गए ना एक्यूरेट, जैसे यहाँ कति ऐसे आ गए इसमें। मैंने बोला था ना पहले, सबसे पहले बाहर की आउटलाइन ये यूज़ करनी है। अब आउटलाइन बनाएंगे, सबसे पहले हमें अंदर का कुछ बनाना ही नहीं है इतने। बहुत इजीली ड्रा कर सकते हैं आप ग्राफ से बनाएंगे तो। शुरुआत मैंने भी ग्राफ से ही करी थी, अब मैं फ्री हैंड यूज़ स्केच बना लेता हूँ। इतने याद ना करना, A4 शीट हो तो ही 2 सेंटीमीटर की लेने हैं, वरना आपको A3 शीट पर 3 के, A2 शीट पर 4-4 सेंटीमीटर के, यानी जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपको सेंटीमीटर के बॉक्स बढ़ा देने हैं। मतलब जो जितने बॉक्स में चीज़ आ रही है, उतने हिस्सा में बॉक्स में वो चीज़ बनेगी। देखो जैसे थोड़ी है, थोड़ी इतने हिस्सा में इतनी आ रही है, तो हमने इतने हिस्सा में लेनी पड़ेगी हमें। अब ये यहाँ से घूम रही है, देखो यहाँ से कुछ गड़बड़ होगी। ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ से देखो गड़बड़ हो गई थी। देखो यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, आपको इतने यूज़ करना है कि आपको पहले HB पेंसिल या फिर 2B पेंसिल ही यूज़ करें, ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ ना करें, तो आपको फिर इरेज करने में दिक्कत होगी। अब देखो हमारा चेहरे की आउटलाइन बन चुकी हैं, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक होती हैं, सबसे ही होती हैं। आप तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो या फिर आप बिगेनर। देखो ये हमने बाहर का आउटलाइन हमारे पूरे फेस की तैयार होगी। अब इसके बाद में हमारे गॉगल्स पहन रखे हैं, ठीक है, जिसके नहीं, जैसे मेरा ये अपना खुद का फेस है, मैं गॉगल्स पहनता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट लेंस में मेरा आज थोड़ी प्रॉब्लम है, आइज वीक हैं इसलिए। अब देखो यहाँ से लाइन, देखो लेंथ यहाँ से घूमने हैं। आप पहले रफली ड्रा करना है, एक्यूरेट जब आप फाइन करें, एक्यूरेट जब बनाना है। अब तक शुरू में आपको रफली ड्रा करना है, ताकि आपको फेस की पता रहे कि ये कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ आएंगी। आप शुरू में ही फाइन ड्रा करोगे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, वो कि आप शुरू में फाइन करोगे कुछ मिस्टेक हुई तो आपको दोबारा सही नहीं कर पाओगे। इसलिए आप बिगेनर हो तो शुरुआत में आप रफली ही ड्रा करो, कहाँ से क्या चीज़ आएगी, कितने हिस्सा में हमारे गॉगल्स आएंगे, कितने हिस्सा हमारे आईज आएंगी। देखो हमारे गॉगल्स, आप जो जब ड्राइंग बनाने बैठे तो आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान, पहले टूल आपके सारे साथ में हो, आप बेर बेर उठना ना पड़े। एक बार उठेगा तो आप बोर हो जाओगे, दोबारा मन नहीं करेगा ड्राइंग बनाने का। ये ड्राइंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है,
इसलिए आपको पहले सारे उसके टूल का यूज रखना है अपने पास सारे। अभी हम रफली ड्रा कर रहे हैं ताकि बस फेस को आप बंद दिखाने के लिए, बाद में फाइन करते दिखाएंगे। देखो नाक हमारे यहाँ से आ रही है तो नाक हम यहाँ से यूज़ करेंगे। अभी आपको दिक्कत भी हो सकती है, आप कह भी सकते हो अभी इतनी जल्दी मैच नहीं कर रहा इतनी जल्दी, पर शुरुआत सबसे ही ऐसा होता है। देखो आइज में अभी आपको दिक्कत लग सकती है क्योंकि आइज बनाने में टाइम लगता है, और आप शुरू में रफली ड्रा करना है पूरा फेस, तो आपको लगन लगे हाँ ऐसे ही है, जहाँ जहाँ दिक्कत है शुरुआत में पूरा फाइन करते जाना है, तो आपको दिक्कत नहीं होने की। और आप शुरुआत में फाइन करोगे मैं दोबारा वही बोलूँगा कि आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखो होठ की बीच वाली लाइन इससे मिली हुई है, नाक हमारे यहाँ से इधर आई है, तो आपको होठ देखो यहाँ से बीच वाली लाइन से होठ देखो यहाँ तक आ रहे हैं, तो होठ को हम यहाँ से देखो इनके लाइन से मिल रहे हैं। आप जैसे इसके हल्के हल्के बाल आ रहे हैं तो उसको शुरुआत में नहीं बनाएं, ना तो आप चल रही है। आपको बाहर की आवाज़ है तो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास अभी माइक ही नहीं है, तो आप बाहर की आवाज़ का ध्यान न दें। देखो हल्के हल्के बहुत हल्के हल्के बाल आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही लाइट शेडो चलानी है यहाँ पर। अब देखो होठ के नीचे वाली लाइन डार्क करते हैं, सुन डार्क दिखाने ताकि हम बाद में याद रहे कि हमें डार्क लाइन यूज़ करनी है। देखो हाथ होठ यहाँ से ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, तो वो आपको लगने लगे इतने रफली ड्रा करना है कि हाँ ये जिसको बना रहे हैं वो उसका ही चेहरा है। देखो ठोड़ी के यहाँ से आ रही है वो लाइन यहाँ से खींच ली यहाँ से, आप आपको बॉक्स का यूज़ करके जहाँ जहाँ जितने जितने बॉक्स हैं नाड़ का यूज़ हो रही है यहाँ पर। कोई हमें इसका कॉलर आ गया, जब आप कपड़ों की शेडो करो तो उसको बहुत ही ध्यान से टाइम देना है, क्योंकि यहाँ पर लाइन कोई भी नहीं होती कपड़ों में, सब शेडिंग द्वारा दिखाई नहीं पड़ती हमको, है ना। जब कपड़ों की शेडिंग करें तो उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है कपड़ों की और आइज की शेडिंग में, जो हमारे क्लोथ होते हैं इनमें कहीं भी लाइन नहीं होती। देखो यहाँ पर अब पहले लेफ्ट साइड राइट साइड आप किसी तरह से देखो, देखो मैंने पहले राइट का बनाया, आप शेडिंग करें तो पहले लेफ्ट से ही स्टार्ट करें, क्योंकि आपके हाथ के ऊपर नीचे नहीं छपने की वो। अब देखो एक तरफ लाइन खींच के दूसरी तरफ मिला देनी है। देखो ये हमारा कॉलर के पूरा हो गया, प
पहले बाहर बाहर के लेनी है जो आपको कतिक क्लियर दिखाई दे। तो देखो हमारा रफली ड्रा कंप्लीट हो गया। आप देखो फेस जैसा था ऐसे दिखने लगा ना। अब इसको हम कंप्लीट फाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो ऐसा था, ऐसा हो गया।